ये बिल्डिंग है, इसके अभी मरम्मत चल रही है। ये गली आप देख रहे होंगे, गली अभी खाली पड़ा है पूरा, स्टूडेंट्स हैं नहीं बिल्कुल भी। इस तरफ ये पार्क है, पार्क भी आप देखिए बिल्कुल ही एकदम कचरा जमा हो गया, क्योंकि यहाँ पर अभी स्टूडेंट आ नहीं रहा है। पहले जब स्टूडेंट रह रहे थे तो यहाँ पे आके बैठते। अब देखिए हमारे हिसाब से तो मुखर्जी नगर बहुत ही सस्ता एरिया है, और हाँ। मुखर्जी नगर के बाद गोपालपुर है, इधर वजीराबाद है, ढाका विलेज है, ढाका विलेज है, संत बुड़ारी है, तो यहाँ एक तरीके से देखें ना तो बहुत ही सस्ता, एक तरीके से आपको पीजी और रूम दोनों मिल जा रहा था। अभी पिछले कुछ दिनों में यहाँ से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे है कि जगह जगह पे अलग अलग जगह पे शिफ्ट किया है। और ये गली आप देख रहे होंगे, ये सामने वाला बिल्डिंग, यहाँ पर नेहरू विहार में कुछ बिल्डिंगें अभी जो है मरम्मत की काम शुरू कर दिया है ओनरों ने, यहाँ के डीलरों ने। आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये कोने में जो ये बिल्डिंग है, इसके अभी मरम्मत चल रही है। ये गली आप देख रहे होंगे, गली अभी खाली पड़ा है पूरा, स्टूडेंट्स हैं नहीं बिल्कुल भी। इस तरफ ये पार्क है, पार्क भी आप देखिए बिल्कुल ही एकदम कचरा जमा हो गया, क्योंकि यहाँ पर अभी स्टूडेंट आ नहीं रहा है। पहले जब स्टूडेंट रह रहे थे तो यहाँ पे आके बैठते थे या फिर डिस्कस करते थे दोस्तों के साथ, गप्पे मारते थे, पर अभी ऐसा है नहीं। ये ब्लॉक है, यह गली है, आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स पहले भी इधर रहते थे। और इस गली में आप देख रहे हैं जो वायरिंग का सिस्टम है बिल्कुल ही बेकार। यहाँ पर हम दिखा रहा है दृष्टि का ये मेंटरशिप लाइब्रेरी, जो अभी बंद हो चुकी है। देखिए यहाँ पर आपको कहीं दूर दूर तक तो कोई स्टूडेंट नज़र नहीं आएंगे, कोई टीचर, कोई फैकल्टी आपको नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। पूरा सिस्टम यहाँ का ख़त्म हो चुका है। और इधर आप देखेंगे तो पीछे ये जो काम चल रहा है ये दृष्टि गई है, और यहाँ पर जो है अभी एसी या फिर चेयर जो भी फर्नीचर वगैरह है यहाँ पर सारी चीज़ें उठाया जा रहा है ऑलरेडी, क्योंकि नोएडा में शिफ्ट हो चुके हैं, वहाँ पर बिल्डिंग रेडी हो गई है। इस वजह से इधर भी आपको खाली खाली नज़र आएंगे। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये मेन गेट है दृष्टि आईएएस मेंटरशिप लाइब्रेरी का। नीचे तक ये सामने आप बिल्डिंग दिख रही होगी, इसमें मरम्मत चल रही है, तो बिल्डिंग अभी काफ़ी पुराना हो गया है। यहाँ का जो है पेंटिंग वेंटिंग ये झड़ गई है सारे, ये सब अभी मरम्मत कर रहा है, पर यहाँ पर अभी क्लास नहीं चल रही है। दृष्टि आईएएस का सब कुछ शिफ्ट हो चुके हैं, आप यहाँ पर देख रहे होंगे जो एसी या फिर नीचे जो मेंटरशिप लाइब्रेरी में ये चार टेबल जो भी फर्नीचर था ये सारा कुछ अभी निकाला गया है, और ये सब अभी शिफ्टिंग किया जा रहा है नोएडा या फिर करोलबाग की तरफ। इस तरफ भी आप देखेंगे तो आपको टूटा हुआ यहाँ पर चार यार ये सब दिख रहा हो। क्या कहना चाहोगे, अभी जो दृष्टि आईएएस का ये देख रहा हो, ये सारी कुछ सारे जो सामान है ये शिफ्ट किया जा रहा है, तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पर मुखर्जी नगर में बहुत ही कम प्राइस में सस्ते में रह रहे थे, उनका क्या होगा, बजट तो वहाँ पर बढ़ जाएगा, फिर नोएडा में इतने में रूम मिल पाएगा। अब देखिए हमारे हिसाब से तो मुखर्जी नगर बहुत ही सस्ता एरिया है, और हाँ। मुखर्जी नगर के बाद गोपालपुर है, इधर वजीराबाद है, ढाका विलेज है, ढाका विलेज है, संत बुड़ारी है, तो यहाँ एक तरीके से देखें ना तो बहुत ही सस्ता, एक तरीके से आपको पीजी और रूम दोनों मिल जा रहा था, और लड़के जो है एक माहौल था पूरा बना हुआ था। अब दृष्टि आईएएस एक ही कोचिंग जा रही है, बाकी कुछ कोचिंग एम सीढ़ी वाले बंद किए हैं, कुछ जो है इधर उधर थोड़ा सा जो अपना कागज पत्र नहीं बनवा पाए थे। तो ऐसा नहीं है कि मुखर्जी नगर पूरा डूब जाएगा या डाउन हो जाएगा, हाँ ये है कि जो लोग यहाँ से दृष्टि के लिए जाएंगे लड़के उनको थोड़ा सा ज़्यादा परेशानी होगी। हाँ अब अभी जैसे कि हम कल नोएडा सेक्टर 15 जाके आए हैं, वहाँ पर स्टूडेंट बता रहा है कि 15-20 हज़ार का फ्लैट मिल रहा है, और वही स्टूडेंट बता रहा है हम मुखर्जी नगर में रहते हैं तो 6-7 हज़ार में आराम से फ्लैट मिल जाता है। नहीं मिल रहा है पीजी वहाँ पर, मिल रहा है पर वो भी महंगा है, पर फ्लैट और ज़्यादा महंगा। कितना का पीजी? 8-10 हज़ार, तो 8 हज़ार के नीचे कोई पीजी नहीं मिल रहा है वहाँ पर। अब यहाँ पीजी देखिए, यहाँ का पीजी जो है 6 हज़ार से चालू होता है, 5 हज़ार, 6 हज़ार, 7 हज़ार, 8 हज़ार, 10 हज़ार, 12 हज़ार, जैसा मतलब ले रूम भी 4-5 हज़ार से चालू हो जाता है। हाँ। तो एक तो लड़के गरीब गांव से ही आते हैं स्टूडेंट जो है कोचिंग करने, यूपीएससी का 2-2.5 लाख, 1.5 लाख फीस देने के बाद उनके पास बचता है महीने का, कितना भी मिनिमम खर्चा होता है तो लमसम 10 हज़ार टच करने लगता है। पीजी लें 4-5 हज़ार, 6 हज़ार, चाहे रूम भी लें, 10 हज़ार लमसम 8-9 हज़ार तो टच ही होना है। अच्छा। तो इस तरीके से मतलब 1-1.2 लाख तो ऐसे ही हो जाता है, बाकी उनके पास और चीज़ें होती हैं जो समस्याएं होती हैं, जैसे बीमार पड़ गए, कोई और समस्या आ गई, तो उसमें तो हमारे हिसाब से मुखर्जी नगर का जो एरिया है ना, गोपालपुर, वजीराबाद, इधर जो है ये सब एरिया सस्ता ही है एक हिसाब से, और यहाँ खाना पीना रहना वाई फाई सब मिल जाता है पीजी में,
तो हमको लगता है कि ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा स्टूडेंट को, वहाँ जाने पर बहुत ही सर्वाइव करना थोड़ा मिडिल क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा स्टूडेंट को। अब देखिए, लेकिन ये नहीं है कि मुखर्जी नगर दृष्टि के जाने से पूरा जो है वो हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा लड़के ज़्यादा थे तो इसलिए थोड़ा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अगली सीजन में सब मेंटेन ही हो जाएगा यहाँ जो। आप भी यहाँ पर रह रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो आप जहाँ पर रह रहे हो वहाँ का रेंट कितना है और खाना बना कैसा है या फिर कैसे मैनेज कर रहे हो? हमारे यहाँ खाना वाना सही है और रेंट भी, हम पीजी में ही रहते हैं। और आप थोड़ा सा, हम पीजी थोड़ा सा हमारा जो है वही है, 6-7 हज़ार की पीजी है और कोई ज़्यादा वो नहीं है। वैसे तो हम एग्जैक्टली 5 हज़ार ही देते हैं अपने पीजी का। 5 हज़ार में ही सब कुछ? हाँ हाँ, थोड़ा हमारा कम बेसी करा लिए हैं उसी में तो नहीं, वैसे 5 हज़ार में मिल जाता है। 5-5.5 में हमने भी देखा है, इंदिरा विकास की तरफ आप जाओगे तो उधर भी मतलब खाना वाना इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ मिला के, हाँ मतलब वाईफाई आपको सारी साफ़ सफाई सब चीज़ें मिल ही जाती है। तो अब क्या चाहिए, अब उससे कम में तो हमको नहीं लग रहा है कि कोई दे पाएगा और कहीं और जगह पर। बाकी कोई दे पाए तो भाई हमारे हिसाब से तो नहीं लग रहा है, इसलिए कि कबूलबाग हम भी कई बार पर्चा बांटने गए तो वहाँ 12 हज़ार से तो सीधा रूम ही चालू होता है। 12 हज़ार से चालू? हाँ, 12 हज़ार से, यानी कि नोएडा करोलबाग से सस्ता मुखर्जी नगर ही है। हाँ, वहाँ यहाँ से दुगुना चालू होता है, दुगुना। हाँ तो करोलबाग बहुत ही मतलब महंगा एरिया है, बाकी नोएडा में तो हम गए नहीं, आप जो बता रहे हैं वही कंडीशन है। सही बात, चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, हम ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं नोएडा सेक्टर 15, तो मुखर्जी नगर के कंपेरिजन में महंगाई वहाँ पर ज़्यादा है, वहाँ का पीजी रूम हॉस्टल का उसका प्राइस हाई है यहाँ के कंपेरिजन में। बहुत से स्टूडेंट जो यहाँ पर 5-7 हज़ार में अपना बजट रह रहे थे यहाँ पर, तो वो उनका बजट बढ़ जाएगा। जो स्टूडेंट दृष्टि में ही पढ़ते हैं पर उनके पेरेंट्स, उनके जो माँ बाप है, कैसे भी करके यहाँ का फीस भेज देते हैं, उनके लिए बजट थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, लोड उसमें आ सकता है। बाकी आप क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो के बारे में, आप कमेंट्स में बताइए कौन सा सही है, नोएडा, मुखर्जी नगर, करोलबाग, आपके लिए बेस्ट कौन सा है आप कमेंट में बताइए। इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे एक नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।